हेलो फ्रेंड नमस्कार समस्त को मोर यूट्यूब चैनल स्वागत जनाऊँ तेणु सांग माने आज वीडियो रे आमे आलोचना करिबा जो चलित बर्ष होगा जाऊँगा दशम श्रेणी जो बोर्ड परीक्षा रे क्यों भड़ी प्रश्न आसीबा क्यों भड़ी जो प्रश्नपत्र ढांचा रहिबा कोचिंग पैटर्न बोर्ड पक्षर जारी होती सांग माने तेणु आज वीडियो रे पुंखानुपुंख भाव आलोचना करिबा सब्जेक्टिव रे केते मार्क ना सब्जेक्टिव आमको जो 30 मार्क जो आगुरु आमे जानीछे सब्जेक्टिव 30 मार्क से भड़ी ऑब्जेक्टिव बा मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन आसी 50 मार्क एमसीक्यू क्वेश्चन 50 मार्क सेटा आमे जानीछे तनु से भीतर जो ह्रास करा जायथिबा जो कोटी जायथिबा विषय भीतर जो पद्य ना गद्य बा एकांकिकार को विषय रु केते मार्क आसीबो से विषय रे आज आमे एही वीडियो रे पुंखानुपुंख भाबे क्वेश्चन पैटर्न आलोचना करिबा तनु संग माने जदि वीडियो टी भल लागथिबा निहाति भाव रे लाइक करि नेबे आ वीडियो रे बा चैनल रे नुवा करिथिबे ताले सब्सक्राइब करिक मध्ये रखि नेबे तनु चालंतु आ मोर प्रिय छात्र छात्र माने आमे प्रथमे आलोचना करिबा हमर जो दशम श्रेणी साहित्य सिंधु रो केउ भोडी क्वेश्चन पैटर्न रहिबो जो तमे तो जानी छो जो सब्जेक्टिव जो 30 मार्क जो ऑब्जेक्टिव बा एमसीक्यू 50 मार्क आसीबो तनु क्यों भड़ी को विषय रु जो चोरित वर्ष जो रिडक्शन बा जो कटा जाय छी ह्रास करा जाय छी जो विषय से विषय को आमे जते बडे क्लास रे पढीबा जो सार तुम सार माने पढु से विषय रे ही प्रश्न आसीबो तनु आलोचना आमे करिबा तनु प्रथमे देखो संग माने कोन ऑब्जेक्टिव पेपर जोटा तुमको 50 मार्क मिलो एमसीक्यू बा मल्टीपल जो चॉइस क्वेश्चन तुमको मिलो केते है ना संग माने 50 मार्क जोटा 50 टी बहु विकल्प प्रश्न रहिबो बहु विकल्प जोटा चारटा तुमको उत्तर दिए गोटे प्रश्न पचारा जाय केते ना गोटिए प्रश्न पुजुमको पचारा जायथिबो सेई भितरु तुमको चारटी जो ऑप्शन थिबो चारटी उत्तर चारटी भितरु तुमको गोटिए टी तुमको बाछिकरी उत्तर लेखिबाकु पड़िबो सेई बडी देखो सब्जेक्टिव पेपर जमती तुम रही कौ विषय आसना पद्य विभाग रु गद्य विभाग रु गल्प विभाग रु एकांकिक व्याकरण सब विषय तुम के मार्क आसब ना जो 50 मार्क जो विकल्प जो आस 50 मार्क जो से 50 मार्क तुमको लिखा पड़ो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तेणु सांग मैंने सहज भल सुजोग मिली जो चारोटी ऑप्शन भितर तुमको गोटे उत्तर बाछिक तुमको ठीक आंसर टी गोल बुलाइवा से पड़ो सही बड़ी देखो सब्जेक्टिव पेपर जो बड़े आम 30 मार्क शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आसीबो आम जो साहित्य सिंधु जो बहिर सांग माने देखो केमती ना केते मार्क आसीबो ना दीर्घ उत्तर मूलक बा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आसीबो दीर्घ उत्तर मूलक ठीक है लॉन्ग टाइप रो केते मार्क ना 30 मार्क देखो कौ भड़ी केउथिरु आसीबो देखो एक नंबर कौन ना ना दुईटी प्रश्नर पाँच नंबर माने 5 × 2 दुईटी तुमको प्रश्नर उत्तर देख देवाक पड़ो लॉन्ग क्वेश्चन टाइप देखो कौन ना विकल्प प्रश्न रही है गद्य एवं पद्य विभाग रु तुम गद्य विभाग रु गोटे उत्तर लिखा पड़ो से पद्य विभाग रु गोटे उत्तर लिखा पड़ो जो लॉन्ग क्वेश्चन टाइप आसो जो कते मार्क ना 5 मार्क से ही बड़ी देख दुई नंबर रे कौन रुई नंबर रे रख 10 मार्क कौन थी मिल तुम मैंने पे देख 10 × 1 मान रचना लिखा पड़ो रचना प्राय कतोटी ना 200 शब्द मध्य तुमको जो तीनोटी विकल्प रचना तीनोटी दि जाते ना तीनोटी रचना दि जाए तुमको गोटे लिखा पड़ो से मिल 10 मार्क से तुमको लिखापी बाध्य सांग मैंने तापर देख 3 नंबर रे कौन आसब ना जो 10 मार्क आसब से 10 मार्क भितर तुमको के 10 है 10 गला कौटे 10 आसब तुमको पद्य किंबा गद्य रु जो तुमको आसब पद्य आ गद्य रु तुम तुम्हें गोटे गोटे लॉन्ग क्वेश्चन लिखे से मिलला के 10 मार्क मिलला से भड़ी रचना रचनार तुमको के 10 मार्क आउ रहिला केते मार्क आउ रहिला तुमको 10 × 20 एथर आसब 30 देख 30 मार्क 10 मार्क आउ बढ़ला 10 मार्क आम कौर लिखा सांग मैंने अनुच्छेद थी तुम्हें अनुच्छेद लिखिपार जो 25 शब्द 5 प्रश्न प्रत्येक के 2 नंबर रुमें अनुच्छेद लिखिपार 10 मार्क किंबा कौन दे कि कौन लिखिपार सांग मैंने किंबा देख पत्र लिखन किंबा दरखास्त मध्य से 5 मार्क जदि एटा लिखे 2 लिखा पड़ो
कौन ना षडार्थ लिखा पड़ो जोटा पद्य कि गद्यू आस तेणु निहाती भाव आम यहाँ कहीं लिखा ना कौटा ना अनुच्छेद तेणु अनुच्छेद तुम्हें भल भाव पढ़ी तार जदि सठिक आंसर देव ताले तुमको लिखा पड़ो ना कौटा सांग मैने पत्र लिखन किंवा दरखास्त किंवा षडार्थ पद्य किंवा गद्य विभाग लिखा पड़ना जदि तुम्हें अनुच्छेद सठिक भाव में लिखापी जा तेणु जदि जार हूँ पत्र लिखन बा दरखास्त जार भल भाव किंवा षडार्थ जो भल भाव गद्य किंवा पद्य तुम भल भाव षडार्थ लिखि पार्छ ता लिखिपार तापर देख नेक्स्ट आम कौटा आलोचना करवा परवर्ती आम आलोचना करवा सेकेंड लांगुएज बा कौटा एसएलई बा इंग्लीश देख ऑब्जेक्टिव पेपर से पचास मार्क आड़ जोटा सब सब्जेक्ट रु जोटा टेक्स नॉन डिटेल्स एंड ग्रामर भितर पचास मार्क तुमको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया जीवो तेणु से चारोटी थी तुमको से चूज करवा गोटे कौन राइट आंसरटा लिखा पड़ो तेणु सब्जेक्टिव पेपर क्यों भाई प्रश्न आसो से आलोचना करवा संग मैंने देख तेणु समस्ते बुझिपारे मुझे आशा करुच्ची तेणु देख थ्री सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो तीस मार्क आसव से केमती आसो देख क्वेश्चन नंबर वन जो अल्टरनेटिव क्वेश्चन विल बी सेट फ्रॉम कौन प्रोज एंड पोएट्री रु आसव तुम जो प्रोज एंड पोएट्री भर के मार्क आसव ना दस मार्क आसव से भितर तुम्हें लिखा पड़ो से क्वेश्चन नंबर टू केमती आसब आ दस मार्क मिलू आमको ना एसे एसे के मार्क मिल ना एसे जदि आसवि एसे दिजाव तीन टा ऑप्शन थी विकल्प तीन टा थी एसे इंग्लीश रे तेणु से टू हंड्रेड वर्ड्स आमको लिखा पड़ो तेणु से मार्क मिले सांग मैंने ना दस मार्क रहा के दस मार्क आउ रहा दस मार्क आठ आसव जदि जदि कौन लेटर राइटिंग सांग मैंने कौन ना लेटर राइटिंग एंड एप्लीकेशन जदि लिखिबो एठु मध्य पाँच पाँच मार्क मिलिबो देख कतापर देख क्वेश्चन नंबर थ्री एटा गला दस मार्क गला हाँ और देखी सांग मैंने यही भितर तुमको लिखा पड़ो तापर देख क्वेश्चन नंबर थ्री रे अनसीन पैसेज यहाँ तुम्हें लिखिपार अनसीन पैसेज जोटा अनुच्छेद यहाँ तुम लिखिपार अनसीन पेसेज जार भल होर ट्रांसलेसन एंड रिपोर्ट टाइटिंग जदि जार भल होता तुम लिखिपार एटा गला दस मार्क एमती भाव में आमको तीस मार्क सब्जेक्टिव आउ पचास मार्क एम सी क्वेश्चन रनसर देवाक पड़ो चलित बर्ष जो पाने दशम श्रेणी परीक्षा देवे सांग मैंने देख परवर्त जीवा आम थर्ड लैंग्वेज आमर हूँ थर्ड लैंग्वेज हिंदी जार जार हिंदी थी सांग मैंने से मानक जो क्वेश्चन पैटर्न देख केमती अच्छी हिंदी देख थर्ड लैंग्वेज हिंदी रम कि भाव में प्रश्न आसव थर्ड लैंग्वेज हिंदी देख ये आस जो यही देख पचास मार्क के ना पचास मार्क जो एम सी क्यू क्वेश्चन आसव पचास मार्क जोटा प्रोज्रे थी पोएट्री एंड ग्रामर से सब मिसिकी तुमको पचास मार्क जो क्वेश्चन आसव से भितर तुम्हें चारिटारु उत्तर रु गोटे उत्तर बाचिक तुम गोल बुले लिख पचास मार्क गला से सब्जेक्टिव पेपर रे किभरी आसव तीस मार्क देख प्रथम दस मार्क कौथि आसव प्रथम दस मार्क जो सर्ट टाइप क्वेश्चन बा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आसव जोटा लॉन्ग टाइप टिके प्रोज एंड पोएट्री रु आसव तुम हिंदी से आउ दस मार्क कौथि आसव अनसीन जोटा पैसेज से भाई देख क्वेश्चन नंबर थ्री रे कौन दस मार्क कौट मिल जदि ट्रांसलेसन कर हिंदी कि डू वेज डायरेक्टेड जोटा कि ग्रामर टाइप रेटा जो कर जोटा कतोटी ना पांचटी थी बोधे पांच इंटु दुई मार्क मिल दस मार्क गला से भाई देख थर्ड लैंग्वेज गला एथर आम आलोचना करवा मैथमेटिक्स तुम जो मैथमेटिक्स कि भाव में प्रश्न आसव क्वेश्चन पैटर्न मैथमेटिक्स रे मध्य से देख पचास टी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आसव एम सी क्यू एम सी के मार्क ना पचास टी आसव से भितर देख जोटा जो सिलेबस वर्तमान तुम जो क्लास रे पाठ पढ़ा जाऊँ जेतकी कटी कटी से भितर आसब ना जो जेतकी तुमको पढ़ा जाऊँ क्लास रे से भितर पचास मार्क आसव
ସେହିପରି ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବଜେକ୍ଟିଭ ପେପରରେ କେଉଁଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ତୁମର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ 30 ମାର୍କ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଆସିବ 30 ମାର୍କ ଦେଖ ଟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ୱିଲ୍ ବି ସେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଆଲଜେବ୍ରା ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଟୁ ଯେଉଁ ଆଲଜେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର କେଉଁ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ରୁ ଆସିବ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଟୁ ତୁମକୁ 10 ମାର୍କ ଆଉ କେଉଁଠି ଆସିବ ନା ଆଲଜେବ୍ରା ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିଗ୍ନୋମେଟ୍ରିରୁ ଆସିବ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କେତେ ମାର୍କ ନା 5 ମାର୍କ ସେଇଟା ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ସେଠି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେହିପରି ଦେଖ ତେଣୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ଯେଉଁ ଟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିବ ଯେଉଁଟା ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଫ୍ରମ୍ କ'ଣ ଜ୍ୟାମିତି ଆଉ ଯେଉଁ ତୁମର ତ୍ରିକୋଣମିତିର ଆସିବ ଯେଉଁ 10 ମାର୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ନା 10 ମାର୍କ ସେଠି ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ନା ଟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଜିଓମେଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ମେନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସେଇଥି ଭିତରୁ ତୁମକୁ ଆସିବ ଜ୍ୟାମିତି ଆଉ ତ୍ରିକୋଣମିତିର ଯେଉଁ ତୁମର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରୁ ଆସିବ ତାପରେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ସାଇନ୍ସ ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ ବିଷୟରେ କ'ଣ ନା ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ ବା ତୁମର ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆଉ କେଉଁଟା ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଭିତରୁ କେଉଁଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ତେଣୁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ପେପର କେତେ ମାର୍କ ଆସିବ ନା 25 ମାର୍କ ତେଣୁ କେତେ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସରୁ 25 ମାର୍କ ଆଉ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସରୁ ଯେଉଁ 25 ମାର୍କ ତୁମର ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ କେତେ ନା ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନା 50 ମାର୍କ ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସରୁ ଫିଜିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଭିତରୁ ତୁମର ଆସିବ ତେଣୁ ଦେଖ ସବଜେକ୍ଟିଭ ପେପରରେ ଆମର ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ କେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେଉଁ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ୱିଲ୍ ବି ହେଭ୍ ଥ୍ରୀ ବିଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିବ କେତେ ନା ଥ୍ରୀ ବିଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥ୍ରୀ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୀ ବା ଟୁ ମାର୍କ କେତେ ନା 8 ମାର୍କ ଆସିବ ତୁମର 8ଟା ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ୱାନ୍ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାର୍କ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁଟା ବିଟ୍ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ତୁମର ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଟୁରେ ସେହିଭଳି ବିଟ୍ ଟୁ ବିଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ କେରିଙ୍ଗ ମାର୍କ୍ସ ଫୋର୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୀ ଆସିବ ତୁମର କେତେ ମାର୍କ ନା 7 ମାର୍କ ଆସିବ ତେଣୁ 8, 7, 15 ଆଉ 25 କେତେ ହେଲା ନା 40 ମାର୍କ ତେଣୁ 40 ମାର୍କ କେଉଁଥିରେ ମିଳିବ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସରେ କେତେ ନା ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ 40 ମାର୍କ ଆସିବ ତୁମକୁ କେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା 80 ମାର୍କ ତେଣୁ ଫିଜିକାଲରୁ 40 ଲାଇଫ୍ରୁ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସରୁ 40 ତେଣୁ ଦେଖ ଏଇଭଳି ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସରେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ପେପର କେତେ ମାର୍କ ଆସିବ ନା ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁ ନା 25 ମାର୍କ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ତାପରେ ଦେଖ ସବଜେକ୍ଟିଭ ପେପର କେଉଁଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ତେଣୁ ସବଜେକ୍ଟିଭ ପେପର ମଧ୍ୟ 8 ମାର୍କ ଆସିବ ଯାହା ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇପ୍ 3 ଟାଇପ୍ ଯେଉଁ ବିଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିବ ସେଇଟା ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ୱିଲ୍ ହେଭ୍ 3 ବିଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିବ ତାପରେ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଟୁ ସେଇଭଳି 7 ମାର୍କ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ କେଉଁଥିରେ ଲେଖିବା ବେଳେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଟୁ ବିଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ କେୟରିଙ୍ଗ ଫୋର୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୀ ଯେଉଁଟା ଆସିବ ସେଇଟା ତୁମକୁ କେଉଁଟା ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସରେ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସରେ ଯେଉଁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମର ଯେଉଁ ସାଇନ୍ସ ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସରେ ତୁମକୁ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଇତିହାସ ଓ ଭୂଗୋଳର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆସିବ ନା ଇତିହାସ ଏବଂ ଭୂଗୋଳରୁ କେଉଁଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆସିବ ସେଇଟା ଆମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକାଲ ତୁମର ଯେଉଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ପଲିଟି ଇତିହାସ ଓ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରୁ ଦେଖ ଯେଉଁ 25 ମାର୍କ ତୁମକୁ ମିଳିବ କେଉଁଟା ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁ ଭିତରୁ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଦେଲେ ତୁମକୁ କେତେ ମାର୍କ ମିଳିବ 25 ମାର୍କ ଯେଉଁଟା ସେତିକି ଯେଉଁ ରେଡିକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି ଯେତିକି ତୁମକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି ଏହି ବର୍ଷ 25 ମାର୍କ ମିଳିଲା ସମସ୍ତେ ସେଇଭଳି ସବଜେକ୍ଟିଭ କିଭଳି ସବଜେକ୍ଟିଭ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି 8 ମାର୍କ ଆସିବ ବିଟ୍ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ବିଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ତୁମର ଯେଉଁ ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ କେତେ ମାର୍କ ନା 8 ମାର୍କ ସେଥିରୁ ଆସିବ ସେହିଭଳି ଦେଖ ଦ୍ୱିତୀୟରେ 7 ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ 3 ଟାଇପ୍ ଯେଉଁ ବିଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ସେଇଭଳି ତୁମକୁ 7 ମାର୍କ ତାପରେ ଦେଖ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଆଣ୍ଡ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଯେଉଁ ଭୂଗୋଳ ଅର୍ଥନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି 25 ମାର୍କ ଆସିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁ ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେତେ ମାର୍କ ଆସିବ ନା 25 ମାର୍କ ଆସିବ ସେହିଭଳି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଯେଉଁ ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିବ ଯେଉଁଟା ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେତେ ମାର୍କ ନା 8 ମାର୍କ ସେଇଭଳି ବିଟ୍ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଇଭଳି 7 ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଯେଉଁ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ୱିଲ୍ ହେଭ୍ 3 ଯେଉଁ ବିଟ୍ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ ମିଶିବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।